दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में लगातार आप इंतज़ार कर रहे थे काउंसलिंग शेड्यूल का, तो बिल्कुल देर रात आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपके बीच में पीएनपी के द्वारा जारी कर दिया गया है। वो भी यहाँ देख पा रहे हैं, वो भी आपका फर्स्ट फेज का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। जाहिर सी बात है जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके हाथों निराशा लगी है। ठीक है, यहाँ नीचे देख पा रहे हैं जो है फर्स्ट फेज काउंसलिंग फुल शेड्यूल जारी, फर्जी है या अफवाह। कुछ आपके बीच में उस काउंसलिंग शेड्यूल के लेकर जो है कुछ कटिंग भेजी जा रही है कि भैया उसमें 2022 की बातें कही जा रही हैं, क्या ये सही है या गलत है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और जो काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी किया गया है उसमें एक रैंक से 240,000 अभ्यर्थियों की फर्स्ट फेज में काउंसलिंग की बातें कही गई हैं, और जो 5,000 रुपये का पेमेंट है वो भी सिर्फ 240,000 तक के अभ्यर्थियों को फीस का पेमेंट करना है। बट आपको पता है जो है 233,350 टोटल सीटें आपके यहाँ हैं, 240,000 अभ्यर्थियों को पेमेंट भी करना है। ठीक है, और सवाल उठता है कि आखिरकार बाकी अभ्यर्थियों का क्या होगा, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया अगर हम 5,000 रुपये का पेमेंट कर दे रहे हैं, अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या ये 5,000 रुपये का जो पेमेंट मैंने किया है क्या वो रिफंड होगा या नहीं होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस जो है ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल को दिखाना चाहेंगे। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कल देर रात मैंने जो पीएनपी की तरफ से जारी किया गया था ऑफिशियल लेटर उसे मैंने दिखाया है, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, अब दोनों में अंतर आप खुद ब खुद समझ लीजिएगा। अच्छा, उस ऑफिशियल लेटर में क्या गड़बड़ी थी, बिल्कुल अभी आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2023 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी। अब यहां देखने का प्रयास करेंगे, आप इन चीजों को छोड़ दीजिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उससे हम दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, हर अभ्यर्थी को वेबसाइट के बारे में पता है। सबसे पहला भाग आपके बीच में दिखाया जा रहा है स्टेट रैंक 1 से 240,000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि जो है वो 15 सितंबर से शुरू हो रही और 3 अक्टूबर तक आपके जो ये 5,000 रुपये का पेमेंट आप कर पाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फेज की बात कही जा रही है। कितने रैंक से, 1 से 240,000 तक, ये 5,000 रुपए का पेमेंट सिर्फ उन्हीं को करना है। बाकी अगर 240,000 एक आपकी रैंक है, ठीक है, 240,000 एक है, या आप मानकर चलिएगा 240,000 के ऊपर भी जिनकी रैंक है उनको ये 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप कर ही नहीं पाएंगे, उस जो है पेमेंट करने के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ देखिए, संस्थान में विकल्प भरने की तिथि, स्टेट रैंक, संस्था आवंटित और आवंटित में अभिलेखीय जांच। ठीक है, चलिए, यहाँ पहला आप देख पा रहे हैं, पहले में कहा जा रहा है 18 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू है, ये जो है पहले राउंड की। और यहाँ देखिए 20 सितंबर तक, 18 से 20 तारीख तक 1 से 20,000 रैंक तक आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी 18 से 20 में, और 21 तारीख को आपका जो कॉलेज है वो आवंटन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है डाइट का सिलेक्शन करेंगे, 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा। अगर 15,000-17,000 भी आपकी रैंक बन रही है तो बिल्कुल आप डाइट के साथ साथ प्राइवेट को भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिनकी रैंक जो है 15,000 के ऊपर है उनको डाइट मिलना थोड़ा सा असंभव है, मिल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे ये कोई मानी बात नहीं है कि जिनकी रैंक अच्छी खासी है वो डाइट ले ही लेंगे। आप मेरे पास जो है मैसेज करते हैं कि भैया हमारी रैंक कितनी है, क्या हमें डाइट मिल सकता है। देखिए, कमेंट के माध्यम से हर चीज़ बताना संभव नहीं है। जैसे हम मान कर चलते हैं कि आपकी रैंक 20,000 है, तो
सॉरी आपकी रैंक, मैं मानकर चलता हूँ कि 5000 है और 5000 आपकी रैंक भले है, आप हो सकता है प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर लें, ठीक है। आपकी रैंक 2000 है, हो सकता है आप प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर लें। तो जो 2000 वाला बंदा अगर डायरेक्ट कॉलेज को छोड़ता है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो है 15000 वाले को जो है 5000 वाले पर ले जाकर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। यही होता है, आप ये ना पूछिए, ये कोई कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि आपकी रैंक अगर 20000 है तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मिल सकता है, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, अगर ये है कि अगर जितनी सीटें हैं 10600 सीटें हैं, अब शुरू से सब लोग 10600 सीटें ऊपर डायरेक्ट ले ही लेंगे तो जाहिर सी बात 10601 वाला अभ्यर्थी नहीं पाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, आप अगर डायरेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, और अगर आपकी रैंक 15000 के ऊपर है तो आप डायरेक्ट के साथ साथ प्राइवेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ चीज़ें आप समझ गए। और यहाँ दूसरे में कहा जा रहा है दूसरे चरण की काउंसलिंग, ये तो फर्स्ट फेज है, ठीक है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग 21 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 20001 से 80000 तक के अभ्यर्थी भाग लेंगे। और जो फर्स्ट जो पहले चरण में जिनकी काउंसलिंग या जो विकल्प नहीं भर पाए थे और जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है, वो भी 21 तारीख से 24 सितंबर वाले में भाग लेंगे। इनका जो आवंटन होगा वो 25 सितंबर को होगा, ठीक है। और यहां 25 सितंबर से आपको अपने कॉलेज में प्रवेश की कार्यवाही को पूर्ण करना है, वो भी आपको 15 अक्टूबर तक करना होगा, ठीक है। चलिए, 26 सितंबर देख पा रहे हैं थर्ड फेज की, 26 सितंबर 2023 से 29 सितंबर तक चलेगी, 80001 से 1.5 लाख के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बट यहाँ भी ध्यान रखना है, पहले और दूसरे चरण में जिन्हें कोई कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, जो विकल्प नहीं भरे हैं, उनको भी इसमें भाग लेना है। और इनका जो कॉलेज आवंटन होगा वो 30 सितंबर को होगा। आगे 30 सितंबर से आपकी 5 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी, 1.5 लाख से जो है 2,40,000 तक, यानी संपूर्ण अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। कॉलेज का आवंटन जो है वो 6 अक्टूबर को होगा, और इनकी जो प्रवेश की कार्यवाही पूरा करना है वो भी हर किसी बंदे के लिए 2,40,000 तक के प्रवेश की तिथि जो है वो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मान्य होगी। अगर आप 16 अक्टूबर को जाएंगे तो आपका प्रवेश नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके संदर्भ में कुछ अपडेट्स हैं जिसे हम दिखाना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5वें नंबर में कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि यह आपके काम की चीज नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि 15 अक्टूबर तक आप जो है कॉलेज आपको एडमिशन ले लेते हैं, तो 17 अक्टूबर तक आपका जो संबंधित कॉलेज होगा जहां भी आप एडमिशन लिए रहेंगे उसे लॉक करना पड़ेगा, अन्यथा किसी स्थिति में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके चक्कर में आप मत रहिएगा, ये मेरा काम है, ये आपके कॉलेज का काम है जहां आप एडमिशन लेंगे। यहां देखिए, समस्त आवेदित 3,36,000 अभ्यर्थियों को मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट updelgovernment.in पर उपलब्ध है, दिनांक 12 तारीख को प्रकाशित की जा चुकी है, ठीक है। प्रदेश के जिला में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष वर्गवार, ये चीजें भी आपको पता है। आगे हम और आपको जो काम की चीजें उसे दिखाना चाहेंगे, बाकी आप जो है इसे भी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। थर्ड में कहा जा रहा है, यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये जो है ऑनलाइन भुगतान करने अनिवार्य होगा। जैसे आप काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम होगा आप 5,000 रुपये का पेमेंट जाकर करिए, ठीक है। आगे, भुगतान की पुष्टि कन्फर्मेशन होने के उपरांत ही अपने पसंदीदा या मनपसंद कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान को विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। अगर आप 5,000 रुपये का पेमेंट नहीं करते हैं तो फाइनली आप कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को स्टेट रैंक के अनुसार संस्था का विकल्प या चुनाव करने या चॉइस करने पर भरे गए विकल्प स्वतः लॉक माना जाएगा। जैसे आपने आप जो है कॉलेज को भर दिया और फाइनली आपने लॉक नहीं किया तो वही आपका फाइनली लॉक माना जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5 नंबर में कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 5 और 6 को आप जरूर ध्यान से देखेंगे। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है कि आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जाँच प्रवेश की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर पाएंगे। 5,000 रुपये आपको काउंसलिंग से पहले जमा करना है और 5,000 रुपये का पेमेंट आपको कन्फर्मेशन करना है, यानी आपको टोटल 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, तब जाके आपको जो है कॉलेज का आवंटन यानी अलॉटमेंट
परमानेंट लेटर निकल पाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, यदि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज को अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस अभ्यर्थी 5,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा एवं काउंसलिंग के अग्रिम चक्र अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये भुगतान करना होगा। समझिएगा आप, यहाँ कहा जा रहा है जैसे आपने पहले राउंड में काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया और आपके नाम कोई कॉलेज अलाट हो गया, मानकर चलते हैं आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अगले चरण में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, अगले चरण की काउंसलिंग में फिर से कॉलेज को लॉक करें, तो फिर से कॉलेज को लॉक करने के लिए आपको दोबारा से 5,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और यह ये चीज़ें मत सोचिएगा कि हम अगले चरण में जाएंगे तो ये 5,000 रुपये हमारा रिफंड हो जाएगा, आपका ये रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, फिर से आप 5,000 रुपये का पेमेंट आज काउंसलिंग फीस के रूप में जमा करेंगे, उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर जब प्रिंट करेंगे तो आपको 5,000 रुपये का फिर से यानी टोटल 15,000 का खर्च आ जाएगा, 5,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो आप काहे को ये गलती करेंगे, ये गलती मत करिएगा। आगे कहा जा रहा है कि देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम चक्र अभ्यर्थी भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है, ठीक है, तो प्रवेश काउंसलिंग अग्रिम चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले ये बता दिया था, आप 5,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपको कोई संस्था आवंटित नहीं होती है तो आपको अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर आप जो है संस्था का चयन कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जाँच उपस्थिति न होने पर किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर भुगतान किए गए दोनों शुल्क अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये और कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपये किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी, ठीक है, या और भी किसी कारण से आप एडमिशन नहीं लेते हैं निर्धारित तिथि के अंदर, तो आपका ये 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस और कंफर्मेशन फीस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी फीस आपका रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है अभ्यर्थी के उक्त आवंटन पत्र ये चीजों को आप छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, अब आपको आप यहां गलतियां कहां कर रहे थे यहां ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में इसी कॉलम में जो ऑफिशियल लेटर निकल कर आया है इसी कॉलम में 26 सितंबर 2022 दिया गया है और यहाँ जो है 29 सितंबर 2022 दिया गया है, आप मानकर चलिएगा वो चीज़ें फर्जी है, मानना क्या है वो ऑफिशियली हैं, हाँ टाइपिंग में थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, आप यहाँ से भी सीख ले सकते हैं, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अभी तक ये आप कह रहे थे फर्जी है या सही, तो बिल्कुल ये सही है, आप उसके चक्कर में मत रहिएगा, ये आपकी फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है, जिनकी भी रैंक 2,40,000 के ऊपर है अगर सीटें बचती हैं तो आपके लिए भी सेकंड फेज की काउंसलिंग कराई जाएगी, बाकी अदरवाइज जो है आप अगर सीटें फुल हो जाती हैं तो आप जो है एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, बाकी अभ्यर्थियों का क्या होगा मैंने आपको बता दिया, अगर सीटें बचती हैं तो काउंसलिंग कराई जाएंगी, वैसे सीटें बचेंगी सब लोग एडमिशन नहीं ले रहे, कुछ लोग होंगे जो छोड़ भी देंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में तमाम सीटें भी जो है अगले चरण के लिए भी खाली रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। कॉलेज नहीं मिला 5,000 रिफंड होगा या नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कि चलिए हमको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम रिफंड करवा लेंगे, आपको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा, नहीं आप चलिए आप अगले चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पर भी आपको कॉलेज मिल सकता, नहीं मिलता है तो आपको फिर से अगले चरण में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।